गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम कुमार हुआ और आज हम लोग जानेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या थे। सबसे पहले आइए देखते हैं फर्स्ट जनरेशन, जो हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिवाइडेड थे सारे जनरेशन। देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर से लेके आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जब हमने रिसर्च करना शुरू किया, उनमें इन्वेंशन करना शुरू किया, तो वो हमारे लिए फिफ्थ जनरेशन में बटा। ये डायग्राम हुआ जिसमें ग्लास ट्यूब, एनोड और हीटेड कैथोड और हीटर के यूज से हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब को बनाया। फिर हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को इंस्टॉल करने में कम से कम एक रूम की जरूरत होती थी। ये ज्यादातर साइंटिफिक यूज होते थे। यूनिवैक और एनिएक जो थे, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर एग्जाम्पल्स हैं। और यूनिवैक जो था फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था, जो बिजनेस क्लाइंट यूएस सेंसस ब्यूराई को 1951 में दिया गया था। फर्स्ट जनरेशन का एक ही एडवांटेज, जो कि ये सबसे फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, अपने समय का सबसे तेज काम करता था। और इसमें डिसएडवांटेज ये था कि ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। इसमें फिलामेंट्स होते थे, फिलामेंट्स कभी कभार फ्यूज कर जाते थे, जिस वजह से कंप्यूटर के परफॉर्मेंस जो थे फ्रिक्वेंटली डाउन हो जाते थे और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी इसके खराब हो जाते थे। साथ ही साथ इन्हें रखने में, इनके रखरखाव में बहुत पैसा खर्च होता था, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी थे और इनका कॉमर्शियल लिमिटेड यूज थे। और इन्हें प्रोग्राम करने में बहुत ही डिफिकल्ट होता था, क्योंकि ये जीरो और वंस की लैंग्वेज में कोडिंग होते थे। आते हैं सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन जो मतलब हुआ वो 1947 में शुरू हुआ, बट 1950 में ये पूरी तरह से स्थापित हुआ। और इसमें हमने ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन देखा। पंच कार्ड का यूज करते थे हम लोग, ताकि इनपुट को प्रोवाइड कर सके हम अपने कंप्यूटर्स में। इसमें सिंबॉलिक और असेंबली लैंग्वेजेस यूज हुए। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोबोल, फोरट्रान, अल्गोल और स्नोबॉल। और इसमें ये पहली बार डेवलप हुआ था और ये पहला ऐसा जनरेशन था जिसमें एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री के लिए यूज किया गया था। तो एडवांटेजेस ऑफ सेकंड जनरेशन में हम लोग देखें, तो इसमें हम लोग सबसे ज्यादा देखते थे कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो था फर्स्ट जनरेशन से कम यूज करता था, कंज्यूम करता था, लेस हिट भी प्रोड्यूस करता था। साथ ही साथ फर्स्ट जनरेशन से ये चीपर भी था, स्मॉलर और रिलायबल, यानी कि विश्वास पात्र भी था। और इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज होते थे प्रोग्राम करने के लिए। और इसमें सबसे पहली बार प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज के लिए ऑप्शंस मिले थे। इसके बाद डिसएडवांटेजेस इसके ये थे कि ट्रांजिस्टर्स जो थे वो मैनुअली असेंबल्ड किए जाते थे, जिस वजह से इसको रखने में और इसे मतलब बनाने में, इसके प्रोडक्शन में बहुत ही मुश्किलें आती थी और ये बहुत ही महंगे होते थे। तो अब आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन में, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में होता है क्या था, तो सबसे पहले तो ये मार्केट में आया थर्ड जनरेशन में। उस वक्त पास्कल और बेसिक जो थे, उस वक्त ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराए गए थे। और पहली बार टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। इसमें इनपुट जो थे कीबोर्ड से प्रोवाइड कराए जाते थे, जहां सेकंड जनरेशन में हम लोग पंच कार्ड का यूज करते थे। फिर हम लोग आते हैं एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस इनके क्या थे। सबसे पहली बात तो मैं इनके वर्किंग प्रोसेस पे ही बात कर लेता हूँ। इनमें जो वर्किंग थे ये अपने बहुत ही फास्ट करते थे। ये एक बार में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में परफॉर्म कर लेते थे। बहुत ही सस्ते होते थे, बहुत ही छोटे भी होते थे ये। साथ ही साथ इन्हें साइंटिफिक यूज भी किया जाने लगा थर्ड जनरेशन में, और साथ ही साथ इन्हें बिजनेस के लिए भी यूज किया जाने लगा उस पीरियड के दौरान। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो था एक मार्केट में आया और उसे स्टैंडर्डाइज किया गया, ताकि वो उसे लोग जान सके और उसे यूज कर सके। और उसके बाद इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस और भी डेवलप किए गए। साथ ही साथ कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज और भी ज्यादा यूज किया जाने लगा, और जो कि कंप्यूटर के यूजर्स को और कंप्यूटर को बहुत ही मतलब यूजर के लिए बहुत ही इंटरैक्टिव बनाता था। और साथ ही साथ किसी के वर्क को या किसी के बिजनेसमैन के प्रोडक्ट को बहुत ही
इम्प्रूव करता था ये, और यूजर के किसी भी प्रोग्राम को भी ये इम्प्रूवमेंट देता था। थर्ड जनरेशन में दो डिसएडवांटेज जो कि इन्हें डिफिकल्ट थे मेंटेन करने में और ये बहुत ही जल्दी हिट हो जाते थे। फोर्थ जनरेशन जो था हमारे लिए माइक्रो प्रोसेसर आया उस वक्त, जो कि हम लोग यूज करने लगे, और माइक्रो प्रोसेसर तो बहुत सारे आए बट सबसे ज्यादा फेमस जो हुआ वो इंटेल का हुआ, जो आप सभी जानते हो। बट यहाँ हम लोग इंटेल के बारे में नहीं बल्कि फोर्थ जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन में उस वक्त माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ, जो कि बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को असेंबल करके बहुत सारे, यानी थाउजेंड जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो उतने सारे एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे ही इन्हें इम्प्लीमेंट करके बनाया जाता था। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन में हम लोग जहाँ एक रूम यूज करते थे, वहीं फोर्थ जनरेशन में एक छोटे से हाथ के पंजे में हमारे आ जाता है। और फोर्थ जनरेशन में हार्ड डिस्क जो था बहुत ही छोटा हो गया था और स्मॉलर हो गया था साइज में, जो कि मेमोरी के लिए स्टोरेज के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिला था कंप्यूटर में, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब बड़े अमाउंट में आप किसी भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को आप स्टोर करवा सकते थे। इसमें फ्लॉपी यूज किए जाते थे इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, और साथ ही साथ फ्लॉपी जो होते थे वो बहुत ही आसानी से यहाँ से वहां मतलब ढोने या ले जाने और लाने के काम में बहुत ही आसान होते थे। उस वक्त जो थे एमएस डॉस, एमएस विंडोज, यूनिक्स, एप्पल्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे उस वक्त डेवलप किए गए। और फिर आया आईबीएम, जो आईबीएम ने पहली बार एक पीसी बनाया एक मतलब घरेलू यूज के लिए, और साथ ही साथ एप्पल ने मैकिंटोस को भी इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद इस जनरेशन के दौरान नेटवर्किंग का फॉर्मेशन टर्म भी आया, जो कि नेटवर्किंग यानी इंटरनेट पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब चीज होने लगा, नेटवर्क का फॉर्मेशन होने लगा, जिस वजह से कंप्यूटर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाने लगा, जिससे किसी भी डाटा को मतलब पोर्ट करने के बदले हम लोग सेंड करने में वर्किंग करने लगे, हमें किसी चीज को ढोने की जरूरत नहीं होती थी, हमारे पास जो बैग होते थे वो भारी नहीं होते थे किसी डाटा और इंस्ट्रक्शंस की वजह से, बल्कि हम लोग एक घर पे बैठ कर ही उस नेटवर्क की वजह से ही बहुत सारे डेटा को किसी दूसरे सिस्टम या कंप्यूटर या रिसोर्स या डेस्टिनेशन पे हम लोग उसे सेंड कर सकते थे। और इस वजह से हमारे जो थे ये सभी हमें इंटरनेट और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बहुत ही हेल्प करने लगे, इन सब के डेवलपमेंट में हमें बहुत हेल्प मिलने लगा, और हम लोग एक घर में बैठे बैठे बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करने लगे और डेस्टिनेशन को यूज करने लगे। जैसे हमारे लिए अगर नेटवर्किंग की बात करें तो गूगल आज के टाइम में इंटरनेट के लिए सबसे अच्छा जगह है, और जहाँ पे हम लोग बैठे बहुत सारे मार्केट मतलब यूजर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और वो सभी इन सिस्टम्स को यूज करते हैं, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से नए नई चीजें ढूंढने लगे, नए नए रिसोर्स ढूंढने लगे, डेस्टिनेशन उनको मिलने लगे, तो गूगल उनमें एक बहुत ही अच्छा इंटरनेट का ऑप्शन मिला, जो कि सर्च इंजन बहुत ही अच्छा बना है इंटरनेट के थ्रू। फिर इसमें हम लोग लोगों ने ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस मोड देखा, जो कि GUI मोड के नाम से फेमस हुआ, और ये मतलब कंप्यूटर को बहुत ही पावरफुल बनाया। इसमें जो पहले के कंप्यूटर्स में हम लोग कमांड के थ्रू यूज करते थे, वहीं हम लोग अब इसे ग्राफिक्स के थ्रू यानी विजुअलाइज करके हम लोग इस पे वर्क करने लगे। फिर इसमें कुछ कुछ एडवांटेजेस भी हुए, जो इनके एडवांटेजेस थे ये बहुत ही मतलब अपने से पहले वाले में स्मॉलर चीपर जो कि पहले से चलते आ रहे हैं, इसमें भी लेस इलेक्ट्रिसिटी थी, लेस हिट था, और सॉरी मैंने जो था लेस हिट लिखने के बजाय इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया है, दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड लेस हिट होगा यहाँ पर, तो सॉरी फॉर द टाइपिंग एंड दे हैड फास्टर लार्जर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि हार्ड डिस्क के साथ ही जो हमने यूज किया इसमें और भी हमें ऑप्शंस मिलने लगे। इसमें हम लोग जो हम लोग MB में सेव करते थे, इसके थ्रू हम लोगों ने GB में सेव करना शुरू कर दिया, 500 MB से हम लोग 1 GB में आ गए। फिर अब आज जो हम लोग यूज मतलब प्रेजेंट में हम लोग हैं फिफ्थ जनरेशन में यूज कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए TB का यूज करता है, बट उस समय MB और GB में थोड़े थोड़े वर्किंग शुरू हो गए थे, GB उतने यूज होते नहीं थे। और उसके बाद आया जनरल पर्पस कंप्यूटर, में भी इसे यूज करने लगे, घरेलू इस्तेमाल होने लगे, और जो ग्राफिक्स मोड जो आया था वो कंप्यूटर को समझने में सीखने में बहुत ही आसान हुआ, और ये
यूजर के लिए बहुत ही यूजर फ्रेंडली भी हुआ और इसमें नेटवर्किंग की वजह से डेटा को एक जगह से दूसरे जगह शेयर करने में और आसानी से यूज करने में बहुत ही आरामदायक हुआ। इसमें हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को आसानी से एक जगह बैठ के ही समझ सकते थे और यूज कर सकते थे। और डिसएडवांटेजेस जो थे फोर्थ जनरेशन के, उनमें इंटेलिजेंट नहीं था, यानी कि सोचने की क्षमता नहीं थी, इनमें आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस नहीं थे। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन में, तो फिफ्थ जनरेशन जो थे हमारे लिए टोटली 10 थे जिसपे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर। इसमें हम लोग क्वांटम कंप्यूटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी यूज करते थे जो कि हमारे कंप्यूटर्स, आने वाले कंप्यूटर्स के दुनिया को, उसके मतलब जो हमारे समय आने वाले हैं उन सब में कंप्यूटर्स को पहले के समय से बहुत ही ज्यादा बदलाव देने में मददगार साबित होगा और हो रहा है, जैसा कि हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शंस मिले नेचुरल लैंग्वेजेस पे, तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज जो थी, इंटेलिजेंस जो थे, वो कुछ कुछ एरियाओं को फॉलो करते थे। इसमें गेमिंग, जो आज के टाइम में हम लोग बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स के गेम खेलते हैं हम लोग, तो कंप्यूटर में हम लोग अपने हिसाब से ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करते हैं, 8 GB का, 4 GB का हम लोग ग्राफिक्स कार्ड अच्छे अच्छे आज के समय में तो गेम खेलने के लिए गेमिंग कंप्यूटर्स आ गए हैं जिसमें ग्राफिक्स कार्ड ही ज्यादा मतलब स्ट्रांग हो रहे हैं, उनके GB के अमाउंट यूज करने के बहुत ही हाई रह रहे हैं, हो सकता है वो 8 GB से भी ज्यादा होते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक्सपर्ट सिस्टम यानी कि अगर कोई डॉक्टर काम कर रहा है तो उनमें उनके साथ डिसीजन लेने में हेल्प करते थे ये करेंगे। ये नेचुरल लैंग्वेज जैसे कि हम लोग हिंदी में अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो कंप्यूटर्स इन सब में भी वर्किंग करेगा कि कैसे आप हिंदी में काम करो, अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो उस चीज को वो समझ के आपको रेस्पॉन्स देगा, चाहे वो किसी भी कंट्री की एक लैंग्वेज हो उसमें वो आपको आंसर देगा, आउटपुट देगा। और रोबोटिक्स यानी कि रोबोट्स के लिए भी हम लोग यूज करने लगे और थोड़े थोड़े रोबोट्स आज के टाइम में बनने भी शुरू हो चुके हैं जिसमें लोग बहुत ही यूज करते थे। तो ये थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसे लाइक करो, अगर मेरे चैनल्स के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई क्वेश्चन है मेरे वीडियो से कि मुझे ये चीज जानना है या वो चीज जानना है, किसी तरह की टेक्नोलॉजीज क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट करो। और आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।